छतरपुर के सिटी कोतवाली पुलिस ने दिनदहाड़े बस स्टैंड रोड में हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। तीन लुटेरे जहां गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 10,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 18 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में पान मसाला के व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवाल की लूट संबंधी सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया गया। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली ने BNS के तहत लूट का अपराध पंजीबद्ध किया। शहर के चौराहा, सार्वजनिक स्थल, दुकानों इत्यादि के CCTV कैमरे भी खंगाले गए। फुटेज व सक्रिय मुखबिर तंत्र से एकत्रित सूचना के आधार पर आखिरकार आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से संबंधित विभिन्न स्थानों में दबिश दी गई। लूट की घटना करने वाले तीन आरोपियों अर्स उर्फ ब्लैकी निवासी मनिहारी मोहल्ला थाना कोतवाली छतरपुर, रोशन मंसूरी निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना सिविल लाइन छतरपुर, सोनू उर्फ चांद मोहम्मद निवासी पलोटा रोड थाना सिविल लाइन छतरपुर को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपी अर्स उर्फ ब्लैकी से 3,50,000 रुपये, रोशन मंसूरी के पास से 4,00,000 रुपये एवं चांद मोहम्मद के पास से 2,75,000 रुपये बरामद किए गए हैं। लूट के आरोपी अर्स उर्फ ब्लैकी मंसूरी तथा रोशन मंसूरी के विरुद्ध हत्या का प्रयास अपराध पूर्व से दर्ज है। घटना में शामिल 14 आरोपी नफीस मुसलमान की तलाश व विवेचना कार्य जारी है। लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी व लूटी हुई राशि बरामद करने में CSP अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली अरविंद कुजूर, उप निरीक्षक नंद किशोर सोलंकी, उप निरीक्षक राहुल तिवारी, उप निरीक्षक राहुल शुक्ला, उप निरीक्षक धर्मेंद्र रोहित, प्रधान आरक्षक संदीप तोमर, अरविंद कुशवाहा, पवन तिवारी, पवन वाल्मीकि, प्रहलाद एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 18 तारीख को एक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट हुई थी, जिसमें 4 लोगों ने मोटरसाइकिल से आकर के घटना को अंजाम दिया था। हमारी टीम तत्काल उसमें कार्रवाई में लग गई थी और बहुत ही जल्दी चारों लोगों की पहचान की गई। चारों लोगों के नाम हैं अर्श उर्फ ब्लैकी, रोशन मंसूरी, सोनू मोहम्मद और नफीस मुसलमान। पिछले 2-3 दिन से हमारी टीम लगातार उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही थी और इनमें से 3 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है। 3 लोगों से 10,25,000 का कैश भी बरामद किया गया है और इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है। अभी और भी आरोपी बनेंगे और पूरा का पूरा कैश बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। घटना को जैसे ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से व्यापारी आ रहे थे और उन्होंने बस स्टैंड वाले रोड पर घटना को गाड़ी के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा करके कैश निकाल करके छीन के भागने स्वरूप में अंजाम दिया। पहले से बैक किया, प्लान किया था इस तरह का, इस बात की संभावना है जिस तरह से अभी पूछताछ भी हुई है। मुख्य आरोपी हालांकि अभी अरेस्ट होना बाकी है कि इन्होंने रेकी की थी और उसके आधार पर इन्होंने घटना को अंजाम दिया।